तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च के तीसरे सप्ताह की। मार्च का तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का पता नहीं है, वे अपनी नाम की राशि के हिसाब से वीडियोज देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर 15 से 21 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 15 मार्च को जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी आपके लिए, आपके राशि स्थान से 12वें स्थान में चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा रहने से इस समय में अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, या फॉरेन से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी सक्सेस मिलेगी। इस दौरान आपको फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय में कोई चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ सकता है, या आपको दवाइयों वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ सकता है। तो ये समय अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे निर्णय जो आपको आने वाले समय के लिए लेने हैं, वो भी इस समय में सही साबित नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ये समय अच्छा नहीं है। इस वीक की स्टार्टिंग आपके लिए उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। सिक्स्थ हाउस को देखने से आप समय पर अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, आप अपना सही रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आपको ऑफिस का जो कार्य है उसमें भी काफ़ी व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। तो चंद्रमा का सिक्स्थ हाउस को देखने से आपके लिए इस समय में कहीं से कर्ज लेना या किसी को पैसे उधार देना, ऐसे भी योग बनते हैं, जिस वजह से आपको धन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ये समय में कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है और आपको नींद से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं रह सकती हैं। तो शुरुआत इस वीक की आपके लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। इसके बाद बात करें अगर 16 और 17 मार्च की, तो इस दौरान चंद्रमा आपके राशि स्थान में ही गोचर करेंगे। राशि स्थान में इनका गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। साथ ही साथ चंद्रमा का राशि स्थान में होने से मन में बहुत सारे विचार उठेंगे। इन विचारों पर आपको कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपका मन है वो सही प्रकार से एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो चंद्रमा के राशि स्थान में होने से आप किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने मन को एकाग्रचित करके कार्य नहीं कर सकते तो। इसके साथ ही आपके राशि स्थान में चंद्रमा का आना ये आपके लिए खुद पर फोकस करने को प्रेरित करेगा। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। इस समय कोई भी आप अगर निर्णय लेते हैं तो वो आपका सही साबित होगा। इस दौरान आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन कार्यों को करें जहाँ पर आपकी कल्पना शक्ति यूज होती हो, और कुछ ऐसे निर्णय अभी आप ले सकते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए लेने हैं। चंद्रमा का राशि स्थान में आने से अगर आप एक राइटर हैं या आप कोई भी ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छी मदद मिलेगी। चंद्रमा यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखने से आपकी मैरिड लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं उनको ये दूर करेंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान बिजनेस के लिए कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं या नया कुछ कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय आपके लिए लाभ का रहेगा। इस दौरान आपको किसी भी व्यक्ति की मदद मिल सकती है। अगर आप राजनीति में हैं या कोई भी ऐसे फील्ड में हैं जहां आप जनता से सीधे जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो चंद्रमा का ये गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। और अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और क्रूर ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो इस गोचर को आप एंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद की जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके लिए, 18 से 20 मार्च तक चंद्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे, जहां ये वृषभ राशि में स्थित हो जाएंगे। वृषभ राशि में ये राहु के साथ रहेंगे। राहु के साथ इनकी जो कंडीशन है वो आपके लिए अति मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में धन दिला सकती है, और कहीं ना कहीं वाणी को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं आपको, पर वाणी आपकी अच्छी होगी और आप किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। इस दौरान बहुत सारा धन आपको मिल सकता है। इस दौरान आपको फैमिली से रिलेटेड जो भी इश्यू हैं वो आपके हल होंगे। अगर आपको कहीं से प्रॉपर्टी प्राप्त करनी है, कोई ऐसा कार्य करना है, तो उसके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अचानक एक्सीडेंट होने के चांसेस जरूर बनेंगे, तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं या कहीं ट्रेवल करते हैं तो एक्सीडेंट से सावधान जरूर रहें। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना ये आपको तरह तरह के भोजन करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आपकी जो चॉइस होगी भोजन करने में वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जिससे आप
एक ही समय में अलग अलग प्रकार के भोजन का आनंद ले पाएंगे। फैमिली को आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे, ये समय आपकी बचत करने के लिए भी अच्छा होगा। तो जिन लोगों को कितना भी धन, जितना भी आपको प्राप्त होता है, उतने धन के आप बचत भी कर पाएंगे और जो भी आप खर्चा करेंगे वो अपनी फैमिली पर ही करेंगे। चंद्रमा यहाँ से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो इस वजह से आपके इन-लॉज के साथ और आपके जो भी आपके चाहने वाले हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है और आपके इन-लॉज से फायदा हो सकता है। इस दौरान अगर आप रिसर्च से जुड़े हैं, अकल्ट के किसी कार्य से जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आपका इनमें रहेगा। चंद्रमा का गोचर अंतिम दिन को यानी 21 तारीख को आपके लिए आपके तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में चंद्रमा के होने से ये समय आपके लिए यात्राएं करने का रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा हो या छोटी दूरी की यात्रा हो, आपको यात्राओं से काफ़ी लाभ मिलेगा। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और उनका आपको अच्छा साथ मिलने से आपके कोई भी कार्य में वो आपकी मदद कर देंगे। ये समय में आपके रिश्तेदारों और आपके पड़ोसियों से भी आपको अच्छा सहयोग मिल जाएगा। अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं या कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य कोई भी कर रहे हैं, तो इस दौरान अच्छी आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, पर इस समय में आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो थक जाएंगे, जिसकी वजह से आप उन्हीं कार्यों को करेंगे जहाँ पर आप थकान महसूस नहीं कर सकते या जिन कार्यों को करने में आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आप इस समय में किसी प्रकार के रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। साथ ही साथ ये गोचर आपको ट्रेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा, तो आप यात्रा करने में बहुत ही बिजी रहने वाले हैं। ज़्यादा यात्रा करने से आपको शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है। इस दौरान आपका मन भी बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगा, इस वजह से आप किसी भी स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो चंद्रमा का तीसरे भाव का गोचर आपको काफ़ी बिजी रखने वाला है। चंद्रमा यहाँ से आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे, ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं इस दौरान और एक स्टूडेंट हैं तो काफ़ी फायदा मिलने वाला है। विशेषकर उन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा जो कोई हायर एजुकेशन में हैं, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस दौरान काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये समय। आपको अपने पिता से सहयोग मिलेगा, घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये समय में आपकी रुचि कुछ दूर के स्थानों के भ्रमण के लिए हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा का नाइन्थ हाउस को देखना भाग्य से आपको साथ दिलाएगा, तो भाग्य का साथ मिल जाने से आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। चंद्रमा का ये गोचर आपको निश्चित ही काफ़ी सारी सफलताएं देने वाला है। साथ ही साथ इस समय को आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए या कोई अन्य दर्शनीय स्थल की यात्रा करने जाने के लिए इंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ इस दौरान अच्छी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने से आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ये पूरा वीक आपके लिए देखा जाए तो शुरुआत में जरूर थोड़ी बहुत परेशानी आपको रहने वाली है, लेकिन जैसे जैसे आपका वीक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए जो भी कार्य हैं वो बनते चले जाएंगे। इस वीक में आपके लिए शुभ अंक रहेगा एक और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए इतना ही।